तो वैसे भी द जूनागढ़ लॉज का फूड और क्विजीन है वो पूरे कुंभलगढ़ में माना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बीकानेरी स्टाइल लाल मांस, कुंभलगढ़ के पानी, कुंभलगढ़ के मसाले और आपके प्यार के साथ। कुंभलगढ़ का किला किस डायरेक्शन में है अपने लॉज से? अपने लॉज से कम ये नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ में, और वहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है? पूरा जंगल है, पूरा जंगल, पूरा जंगल है जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वही सिचुएटेड है। तो जैसे कि आप पहले बता रहे थे, मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इट्स अराउंड 610 स्क्वायर किलोमीटर। और जो जूनागढ़ लॉज है वो लॉज सी लेवल से करीब 800 से 850 मीटर की ऊंचाई पे सिचुएटेड है। और आपके हिसाब से कुंभलगढ़ फोर्ट किस लेवल पे सिचुएटेड होगा? 1150 मीटर की हाइट पे है, 1150 के आसपास है कुंभलगढ़ लॉज। तो जहाँ तक देखा जाए कि वैसे भी द जूनागढ़ लॉज का फूड और क्विजीन है वो पूरे कुंभलगढ़ में माना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बीकानेरी स्टाइल लाल मांस, कुंभलगढ़ के पानी, कुंभलगढ़ के मसाले और आपके प्यार के साथ। ये लाल मांस या तो सरसों के तेल में बनेगा और या देसी घी में बनेगा। और जैसा कि मैंने एक बार पहले भी वीडियो में आपने बताया था कि जो जंगली मांस है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जंगली मांस और लाल मांस सेम है या सेम नहीं है, तो उसमें क्या फ़र्क क्या होता है? तो जंगली मांस और लाल मांस में फ़र्क यह है कि जंगली मांस सिर्फ जंगली मांस तेल में नहीं बन सकता, और लाल मांस जहाँ पे या तो सरसों का तेल, अदरवाइज आपके देसी घी। सबसे पहले अपने तेल डाला, तेल के बाद में अपन डालेंगे इसमें साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाले में हो गया आपका दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और साबुत जीरा, पीसा हुआ ये अपना चॉप्ड अनियन। और है तो अपन अगर जूनागढ़ लॉज की बात करें तो यहाँ पे आप कितने तरह के मांस सर्व करते हैं? दो से तीन तरह के करते हैं। कौन कौन से? तो लाल मांस है, ठीक है, एक जंगली मांस, ठीक है, लेकिन आज आपने नया ही तरीका बताया जंगली मांस बनाने का। बिल्कुल, तो जंगली मांस अब जब भी नेक्स्ट टाइम अपन ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से जंगली मांस को डिफरेंट रखा जाए, ऑथेंटिक रखा जाए, जैसे जंगली मांस हुआ करता था उस तरीके से ही रखा जाए। तो आज का जो बीकानेरी लाल मांस है वो होगा बीकानेरी लाल मांस ही, पर इसमें फ़र्क होगा स्वाद का, और स्वाद का फ़र्क आता है पानी की वजह से। तो यहाँ के पानी में देखते हैं ये कैसा जायका लाएगा। बहुत ही धीमी आंच पे तबीयत से पकने वाला डिश है ये।
आपको ये देखना है जैसे ही कलर चेंज हो, हाँ प्याज थोड़े से ब्राउन ब्राउन नहीं करना, अभी जो मटन है okay. जिंजर और गार्लिक का जो yes. हाँ वो इसके अंदर अभी बैठेगा, अभी उसमें फ्राई हो रहा है, भुन रहा है जिंजर गार्लिक में, और प्याज का जो स्वाद है और ये एक्चुअल जो है लाल मांस ये कहाँ से है, राजस्थान किस स्टेट से है? देखो लाल मांस का जो सब्जेक्ट है बहुत ही कंट्रोवर्सी है, लाल मांस का सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी इसलिए है बिकॉज जैसे आप डेक्कन में जाओ तो वहाँ पे हर रियासत कह लो या हर जगह की लड़ाई है कि किसकी बिरयानी अच्छी है, और जंगें हुई भी है बिरयानी के ऊपर। तो उसी तरीके से राजपूताना में हर रियासत, हर प्रिंसली स्टेट के बीच में कोल्ड वॉर है, जंगल से रिलेटेड किसका शिकार करके बनाया जाता था, दैट इज जंगली मांस जो मैं आपको बता रहा था कि सारे सबूत चीज़ें जाती है, और सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट डलते हैं जंगली मांस, जो मेरा मैजिक मसाला है सारा, जो पूरा मिक्सचर है जिससे सारा स्वाद आएगा, टीवी वाला मैजिक मसाला नहीं है हाथ से बनाया हुआ मैजिक मसाला है। तो ये मैजिक मसाले को पूरे मिक्सचर को इसके अंदर डालेंगे। लाल मांस बिल्कुल तैयार है, शुक्रिया।